So welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. तो आज है 17 जनवरी एंड टाइम हुआ 9:05। अभी मैं निकल रहा हूँ घर से एंड इतनी जल्दी क्यों निकल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। बट पहले अपने को चलना है ऑफिस, बट ऑफिस के पहले भी अपने को एक काम है वो करना है एंड उसके बाद अपने चलेंगे। तो पहले करना है अपने को टीथ क्लीन अच्छे से। सो अभी मैंने ये वाला हेयर कैप जो मैं पहनता था पहले, ये वैसे भी पुराना हो चुका था, मुझे नए हेयर कैप्स लेने ही हैं। तो मैंने सोचा कि भाई साहब इसको अपने कपड़े की तरह यूज़ कर लेंगे। और अभी पहले कवर डाल देते हैं बाइक के ऊपर एंड फिर अपने निकलते हैं ऑफिस के लिए। बट उसके पहले अपने को जाना है क्लीन शेव करवाने के लिए। मेरी छुट्टी थी तो मैंने क्लीन शेव किया नहीं था खुद को और फिर बढ़ गई अपनी थोड़ी बियर्ड, तो फिर अपने को खुद से होगा बट इतना क्लीन नहीं होगा। तो वाई टू टेक रिस्क, बाहर से करवाते हैं, इतना महंगा भी नहीं है कुछ भी। और ये कवर डालने में पता नहीं मेरे को मौत आती है यार अभी, क्योंकि जब से कवर फटा है ना तब से लेके आज तक ये सही से बैठता ही नहीं है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे ऐसे हमेशा रहता है। तो यस, इस साइड से भी डाल देते हैं। तो यस, इस साइड से भी आ गया एंड नीचे से कर देते हैं बंद। तो आगे से नहीं हो रहा था सेट। यस, इट्स डन। और भी इसमें से अपने को ये वायर निकालना है, क्योंकि ये वायर मैं रखता हूँ अपना हेलमेट में जो ब्लूटूथ वो चार्ज करने के लिए, और इसमें से निकालना था कपड़ा। तो बेसिकली मैं एक कपड़ा जो है मैं ये बाइक साइड करने के लिए रखता हूँ और एक एक्टिवा के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रखे हुए मैंने। तो यस, चलते हैं अपने घर से, पहले करते इसको कोई चार्ज। सो फाइनली मैं निकल चुका हूँ घर से एंड आज इतनी जल्दी क्यों निकला हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट उसके पहले मुझे एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, अगर वो मिल जाती है तो सही रहेगा, वरना अपने को थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। यस, शॉप बंद है एंड एक्चुअली क्या था कि मेरी छुट्टी थी तो मैंने क्लीन शेव घर पे किया नहीं था एंड एक दिन में मेरे को अच्छी खासी दाढ़ी आ गई थी। और अगर मैं फिर क्लीन शेव करता तो मेरे दोनों साइड के अलग साइड लॉक, जो साइड लॉक्स है वो दोनों ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। सो मैंने सोचा था कि भाई साहब मैं बाहर से ही आज क्लीन शेव करवा लूँगा एक दिन के लिए, बाकी अपना रेगुलर जो रोज़ चलता है वैसा तो अपना चल ही जाएगा। तो मैं अभी निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए एंड मैं जिसके पास हर बार क्लीन शेव करवाने जाता हूँ वो भैया की शॉप बंद थी। मैं पहुंचा और उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूं बाहर तो आज नहीं हो पाएगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है। और क्रुणाल ने अपनी शॉप अभी तक ओपन नहीं की होगी, उसकी शॉप ओपन होती है 10:30 के बाद। तो अपने लिए ये सबसे बड़ी कठिनाई हो गई है। तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे को यहाँ पे कहीं पर भी दूसरी शॉप मिल जाए तो अपना फ़ायदा हो जाएगा। अगर मुझे फिर मेरे को ऑफिस के बाजू में करवानी रहेगी तो फिर बहुत ज़्यादा ही रेट लेते हैं वहाँ पे। आई डोंट नो क्यों ये अहमदाबाद सिटी में होके 50 रुपीज़ लेते हैं एंड सेम चीज़ वहाँ पे वो लोग 100 रुपीज़ लेते हैं एंड उसमें भी वो लोग जेल यूज़ करते हैं ना कि फॉर्म जो शेविंग फॉर्म आता है वो। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट, बट क्या ही करें, अभी अपनी मजबूरी है तो अपने को करवाना पड़ेगा। एंड मेरे यहाँ पे एक रूल है, अगर आप रात को क्लीन शेव करके जाते हो तो नहीं चलता है आप लोगों को,
खुद से मॉर्निंग में शेव होना ही चाहिए। अगर आप खुद से करवाते हो, बाहर से करो तो डजेंट मैटर, बट आपका मॉर्निंग में शेव हुआ होना ज़रूरी रहता है। बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि अगर हम लोग क्लीन शेव करते हैं तो मैक्सिमम बाय मैक्सिमम 8 आवर्स में आपकी बियर्ड है ना वापस चालू हो जाती है। एंड मेरा दिक्कत वही है, मेरे को 6 से 7 घंटे में मेरे जो हेयर्स है वो दिखने लग जाते हैं, तो दिक्कत वाला काम हो जाता है। एंड रात को मैं करता हूँ तो रात के बाद ऑलमोस्ट 12 घंटे 14 घंटे हो जाते हैं ऑफिस पहुँचने में। एंड उसी उसी चीज़ की वजह से मुझे डिसएडवांटेज मिलता है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती है एज अ होटेलियर। एंड अभी मुझे भाई साहब मुझे अपना शर्ट बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी ने भी थोड़ा बहुत भी कुछ उड़ा दिया ना तो भाई साहब मुझे वापस घर पे जाना पड़ेगा शर्ट चेंज करने के लिए। एंड मैं घर से जैकेट लेके निकला हूँ, बट घर के पास में ही बार्बर की शॉप थी तो सोचा बार्बर के यहाँ पे जाके ही पहन लूँगा। निकलते वक्त कुछ उठ मुठ का अपने को शर्ट खराब नहीं करना है, तो रोकते हैं साइड में एंड पहनते हैं अपना जैकेट। तो मेरे को लगा था कि मैं जहाँ पे हर बार क्लीन शेव करवाने जाता हूँ वहाँ पे हो जाएगा, बट अभी भाई कहीं से बाहर जा रहा था तो उसने मना किया। तो अभी मेरे को खुद से देखना पड़ेगा दूसरी किसी जगह पे, तो मुझे नंबर है। तो मैंने जैकेट भी नहीं पहना था क्योंकि अगर शर्ट गंदा हो गया भाई साहब तो ऑफिस से वापस आना पड़ेगा। जब तक सिर्फ और सिर्फ शर्ट चेंज करने के लिए, और वो मेरे को चाहिए नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उसमें। ये वाला जो जैकेट है ना ब्लैक वाला, वो मैं ठंड की वजह से नहीं पहनता, ये मैं पहनता हूँ कि अपना शर्ट खराब ना हो, टी-शर्ट खराब ना हो। क्योंकि मैं मोस्टली वाइट कपड़े पहनता हूँ तो क्या है कि वाइट कपड़े पे कुछ भी छोटा सा भी दाग गिरता है ना भाई साहब, जान अलग आ जाती है। सो अभी अपने को चलना है ऑफिस, एंड आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो आज अपना भाई साहब काम हद से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जिस दिन वीक ऑफ रहता है उसके नेक्स्ट डे पे मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरे को वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहती। सो अभी के लिए अपने को चलना है ऑफिस। और गाइस आप लोग बताइए, आप लोग क्या आपके क्या हालचाल है, एंड आप लोगों ने सुपर मेटियोर 650 अपना देखी, उसका का आपका क्या रिव्यू है, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप लोगों को लास्ट वाला व्लॉग पसंद आया हो। मैंने सच बोलूँ तो पब्लिश करने के बाद मैंने अभी तक उसका स्टेटिस्टिक ऐसे कुछ भी नहीं देखा है, एंड टिल डेट अभी मुझे पता भी नहीं है कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा होगा। बट ऑब्वियसली अच्छा ही रिस्पॉन्स होगा क्योंकि बाइक का व्लॉग है, बाइकिंग है, मैं जब व्लॉग करता हूँ तब अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, एंड वो ही चीज़ की वजह से अपना चैनल ग्रो कर रहा है। और गाइज यहाँ पे आ चुका है सिग्नल, एंड भाई साहब मुझे ये वाले सिग्नल से बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे सब लोग खड़े नहीं रहते, सब लोग कहीं ना कहीं से साइड में। देखो भाई मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को जो लाइन दिख रही है उसके बाद आप खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां से लेफ्ट टर्न जाने का सिग्नल है ना, वो भाई देखो वो वहीं पे जाके खड़ा है, पीछे एक गाड़ी और आ जाएगी। एंड फ्यूलिंग मैंने कल रात को ही करवा लिया था तो मेरे को फ्यूलिंग की कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड इस महीने में मेरा फ्यूलिंग कितना जाने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने 1 जनवरी को मैंने डलवाया था एक्टिवा में पेट्रोल, वो था ऑलमोस्ट 450 रुपये का, आई होप आप लोगों को मैंने बता दिया था। उसके बाद उसमें तो अच्छा खासा चल ही रहा था, बट 8 तारीख को मैंने डलवाया बाइक ड्यूक में पेट्रोल, एंड ड्यूक में ऑलमोस्ट 1150 रुपये का पेट्रोल गया। एंड उसके बाद एक्टिवा में पेट्रोल अभी जाके ख़त्म हुआ है, तो आज है 17 तारीख, एंड सॉरी 17 तारीख आज है बट कल शाम को मैंने फ्यूलिंग करवा लिया था, तो 16 तारीख अपने गिनेंगे तो 16 तारीख को मैंने करवाया फ्यूलिंग। सो मोटा मोटा मेरा 2000 से 2100 रुपये तक का मेरा पेट्रोल जाएगा, तो इस महीने मेरी बचत होगी 900 रुपये की पेट्रोल में, एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। एंड जो 900 रुपये बचेंगे अगर मैंने
कहीं पर भी दूसरी जगह पे एक्स्ट्रा राइड नहीं किया, तो अगर मैं एक्स्ट्रा राइड करूँगा देन इट विल दैट कॉस्ट विल बी एडिशनल एंड एवरीथिंग। बट देखते ही देखते अपने पहुंच गए हैं मेन हाईवे पे एंड अपना आधा सफ़र कहाँ पे ख़त्म हुआ वो भी पता नहीं चला अपने को। एंड यस यस ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो 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 क्या बात है अंकल यार, रॉन्ग साइड में वो भी साइकिल लेके और वो भी बिना देखे, क्या बात है। इन लोगों को द लेजेंडरी इन लोगों को तो सल्यूट देना चाहिए, ऐसे लोगों की वजह से ही ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं बाइक वालों के एंड एक्टिवा वालों के। गाड़ियाँ वाले तो बच जाते हैं, उनको ज़्यादा लगता नहीं, बट जो लगता है वो टू व्हीलर वालों को ही लगता है। बाकी गाइस यहाँ पे आ चुका है सिग्नल, सिग्नल विग्नल ख़त्म करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस का सारा काम वाम निपटाता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि आज ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा होगा तो व्लॉग व्लॉग कुछ करूँगा नहीं। एंड यस सिग्नल करते ख़त्म एंड उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्टली रात को। सो फाइनली मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से एंड आज का दिन रहा अपना बहुत ज़्यादा बढ़िया। आज तीन इवेंट एक साथ थे एंड तीनों इवेंट बहुत ही बड़े थे एंड तीनों के तीनों इवेंट की मुझे रील्स बनानी थी, तो मैंने तीनों के तीनों इवेंट्स की रील्स बना दी, एडिट वेडिट अच्छे से कर दिया एंड शूट भी अपना अच्छे से हो चुका है एंड वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी शॉर्ट टाइम में। एंड आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को गोप्रो का एंगल सही नहीं लग रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि मैंने शूट के लिए निकाला था गोप्रो एंड अभी मैंने एडजस्ट जैसे तैसे कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बाकी गाइज आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराना हो तो आप लोगों को ड्रिल पता ही है करना है क्या। बाकी गाइज आप लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग, साइनिंग ऑफ दिशांत। और गाइज थैंक यू सो मच आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे, और ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए रहेगा अपने को ज़्यादा ग्रो करने के लिए। बाकी आपका भाई डेली व्लॉगिंग कर ही रहा है। बाकी गाइज आप लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सी यू एवरीवन।